आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आगरा में 15 सेंटरों पर स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीकाकरण किया गया, जिसमें एसएन मेडिकल कॉलेज के 4 केंद्रों पर कोरोना का टीका स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया। एसएन मेडिकल कॉलेज के वैक्सीन केंद्र के प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगवाने का संदेश भेजा गया था। स्वास्थ्य कर्मियों ने एसएन मेडिकल कॉलेज में टीका लगवाया। 5 फरवरी को भी एसएन मेडिकल कॉलेज में सिर्फ यहीं के स्टाफ के लिए लिस्ट आई है, जिसमें लगभग 400 लोगों के नाम है जिनको वैक्सीन लगनी है। इसमें भी सर 4 सेंटर बनाए गए? हाँ, इसमें भी 4 सेंटर हैं। हर सेंटर पे 100 लोग अलॉट किए हुए हैं। इस तरह टोटल 400 लोगों को वैक्सीन कल 5 तारीख को लगेगी। सर, अभी तक जो वैक्सीन लगाई गई है वो सर कौन सी वाली लगाई गई? देखिए, हमारे यहाँ कोविशील्ड वैक्सीन है, यही लगाई जा रही है और इसी की सप्लाई पूरे आगरा में हो रही है। सिर्फ एक सेंटर है जालमा जिसमें कि कोवैक्सीन सप्लाई हो रही है, बाकी सब जगह कोविशील्ड लग रही है। अभी तक किसी को सर कोई गंभीर समस्या से रही है? देखिए, छोटी मोटी समस्याएं कई लोगों को आई हैं, जिसमें बुखार होना और शरीर में दर्द होना, इस तरह की समस्याएं, लेकिन गंभीर समस्या अब तक किसी में नहीं आई है। फर्स्ट डोज ऑफ कोविशील्ड मैंने वैक्सीन लगवाई है जी, और अभी मैं 30 मिनट बैठने के लिए बोला गया तो मैं 30 मिनट के लिए बैठूंगा। कैसा अनुभव कर रहे हैं? नॉर्मल, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल आराम से हुए। इससे पहले तो डर होगा, मतलब पहले फर्स्ट टाइम से भी जो लगाई जा रही है? इससे पहले भी कई ट्रायल हो चुके हैं ना, इससे पहले मेरा तो ये 4th है, आज मेरा नाम आज की लिस्ट में था, आज मैंने वैक्सीन कराई है, लेकिन मुझे कोई ऐसा डर नहीं है, ना ही फोबिया। आगरा में 15 सेंटरों पर कोरोना वैक्सीन लगाई गई, जिसमें एसएन मेडिकल कॉलेज में 4 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। टीकाकरण कराते सभी स्वास्थ्यकर्मी उत्साहित नजर आए। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि टीकाकरण अवश्य कराएं और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें। सी न्यूज के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।